हेलो गाइस, दिस कार्तिक पांडे फ्रॉम आईटी बीएचयू एंड यू आर वाचिंग मेरा ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, जैसे कि अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, सो उसमें अपन लोग ने 14 लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने जाना था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फिजिकल मीनिंग क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे या किसी भी सरफेस से या किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे। क्लियर गाइस? और लास्ट में अपन लोग एक लॉ की तरफ पहुंचे थे, दैट वाज नोन एज गॉस लॉ। ठीक है ना? गॉसला क्या बोला था वो देख लेते हैं। तो याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉसला वो क्या था कि यदि कोई भी एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, क्या बोला मैंने, यदि कोई भी हाइपोथेटिकल सरफेस है फ्री स्पेस पे लाइक दिस, क्लियर है, थ्री डी सर्फेस मानेगा। थ्री डी सर्फेस का मतलब कि मतलब पूरा का पूरा ऐसे पूरा स्फेरिकल या कुछ भी मान लीजिए, लेकिन थ्री डी मतलब तीनों प्लेन पे हो। कोई एक क्लोज सरफेस है, कैसी है, क्लोज सरफेस है, हाइपोथेटिकल सरफेस है, और उसके अंदर कोई चार्ज यदि क्यू लाई कर रहा है, कितना चार्ज लाई कर रहा है, क्यू लाई कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर सरफेस से जो लिंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और ये सॉल्व करने के बाद आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर गाइस? क्योंकि ये फ्री स्पेस है वैक्यूम है, तो इसीलिए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है गाइस? नाउ नाउ अब बात आती है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस। तो इसे लोग अपन लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। सो ये हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ गॉसियन सरफेस से लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ गाइस, ये तो अपन लोगों ने जान लिया कि भैया ये हो गया किसकी वैल्यू, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई। नाउ इसको थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो यदि किसी सरफेस के अंदर ऐसे चार्ज हो जाए Q-Q-2Q और Q, क्लियर गाइस, ऐसे तीन चार चार्जेस हो गए, एक Q चार्ज, -Q Q -2Q, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अंदर चार्जेस हैं। क्लियर गाइस? तो इस केस में जो फाई आएगा दैट विल बी क्यू नेट, याद रखिएगा, क्यू नेट इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो व्हेन यू विल ऐड ऑल दोस चार्जेस, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट Q+Q -3Q, दैट इज -Q/ε0, -Q/ε0। नाउ होल्ड ऑन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइनस साइन और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पॉजिटिव साइन, तो चलिए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, यदि मान लीजिए ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हैं और सरफेस का जो सरफेस वेक्टर एरिया वेक्टर होता है वो कैसे लेते हैं अपन लोग, ऐसे लेते हैं डीएस का वेक्टर, क्लियर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, तो कॉस 180 कितना हो जाएगा, -1। सो एक बात याद रखिएगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनवर्ड डायरेक्टेड है या फ्लक्स जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है, या बोले तो एक तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो अंदर की ओर आ रही है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे होता, ऐसे होता, और जो एरिया वेक्टर होता वो भी ऐसे ही होता, तो दोनों के बीच का एंगल लगभग कितना होता, 0 डिग्री, तो पॉजिटिव होता है, इसीलिए क्लियर गाइस, cos 0 दैट इज +1। सो एक बात मुझे पहली बात पता चल गई कि भैया क्यू नेट लेते हैं गॉसियन सरफेस के अंदर, और दूसरी बात ये पता चल गई कि निगेटिव चार्ज के लिए या यदि इनवर्ड फ्लक्स है तो उसे निगेटिव फ्लक्स बोलेंगे, और यदि आउटलेटिंग फ्लक्स है, इनलेटिंग फ्लक्स को निगेटिव लेंगे, और आउटलेटिंग फ्लक्स क्या लेंगे या आउटवर्ड फ्लक्स क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ना होल्ड ऑन, आप देख सकते हैं कि क्यू की वैल्यू के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्यू की पोजिशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, क्यों उस सरफेस के अंदर लाई करना चाहिए, लेकिन क्यों कहाँ लाई कर रहा है इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब यदि एक केस ऐसा है कि सेंटर पे रखा हुआ है क्यू गॉसियन सरफेस के, और एक केस ऐसा है कि कॉर्नर में रखा हुआ है गॉसियन सरफेस, तो दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो दोनों में सेम आएगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब मुझे एक बात पता चल गई कि चार्ज के पोजिशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा कि उस पर्टिकुलर सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। क्लियर गाइस? नाउ ये अपन ने जान लिया, ये जान लिया अपन ने, क्लियर है, अब अपन कुछ और पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। यदि लेट अस सपोज एक कोई चार्ज बाहर है किसी गॉसियन सरफेस के, चार्ज के क्या है, एक बाहर है, लेट अस सपोज ये क्यू चार्ज है बाहर, क्लियर है, अभी
यदि पूछे कि ये कैपिटल क्यू है, क्या है कैपिटल क्यू है और ये क्यू है, ये गॉसियन सरफेस के अंदर है, पूछे कि फाई थ्रू दी गॉसियन सरफेस मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो मैं फिर से बोलूंगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप इसके चलते तो क्यू बोल रहे हैं लेकिन आप इसे काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके चलते इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों नहीं निकाल रहे, तो मैं बोलूंगा देयर इज नो बिग इशू, यू कैन सी दैट कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो ऐसे जाएंगी, सिंपल सी बात है, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से इंटर कर रही है उतनी ही बाहर निकल जा रही है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दैट चार्ज कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्योंकि वे जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रही है उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। क्लियर गाइस? तो मुझे एक बात पता चल गई कि भैया बाहर का कोई भी चार्ज है उसके चलते गॉसियन सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी जीरो। क्लियर गाइस? नाउ एक लास्ट पॉइंट जो कि मैं आपको सोचने के लिए बोल रहा हूं कि किसी भी सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो लिंक्ड हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्लियर? लेकिन यदि किसी सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 100% लिंक कितना होगा, जीरो होगा। ये पॉइंट को आपको समझना है, यदि समझ में आए तो कमेंट करना, यस यदि नहीं आए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूंगा बाय फिगर, बट हिंट दिए दे रहा हूँ। यहीं पे आप देख सकते हैं कि क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो गॉसियन सरफेस से कितना है, यहाँ से जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा क्यू के चलते। क्लियर है? तो पहला लाइन तो एक्सप्लेन हो गया, यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस जीरो भी है डज नॉट मीन कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। लेकिन अपन यदि बात करें कि यदि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हर पॉइंट पे, यदि किसी भी चार्ज के चलते मतलब एक सरफेस पे, तो उस सरफेस से नेट फ्लक्स भी जीरो होगा। क्लियर गाइस? तो ये आपको सोचना है, ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? क्लियर? सो दीज वेयर दी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि किसी भी बंदे को पता होने चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले। तो अपन को याद रखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस को ही कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे कंसीडर करके आगे बढ़ते जाएंगे, तो अपन को बहुत सारी चीजें क्रिएट होती जाएंगी। क्लियर है? तो पहले तो मैं आप लोगों को कुछ केसेस में गॉसियन सरफेस लेकर के गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाऊंगा, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सिखाऊंगा। फिर उसके बाद कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अपन लोग देखेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो चलिए गाइस अपन लोग एक करके समझते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, ठीक है गाइस? तो लेट अस सपोज कि कोई भी एक ऐसे हेमिस्फेरिकल सरफेस है। क्लियर है? ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, मतलब समझ जाइएगा कि ऐसे है पूरा, और उसके सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। क्या रखा हुआ है? एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। पूछा है कि अब उस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा इस पर्टिकुलर हेमिस्फेरिकल सरफेस से। तो मुझे पता है कि अभी ये क्लोज सरफेस तो नहीं है, अभी ये गॉसियन सरफेस की तरह काम नहीं कर सकती। तो मैं मानता हूं कि इस क्यू चार्ज के चलते जो डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इन 3D स्पेस चारों तरफ होंगी, ऐसे लाइक दिस। क्लियर गाइस? मतलब मुझे एक बात तो पता चल गई कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यू चार्ज के चलते इस सरफेस से पास कर रही हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से नहीं पास कर रही हैं। इसका मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यदि लिखते हैं इस केस में फाई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वो गलत हो जाएगा। व्हाई इट विल बी रॉन्ग? बिकॉज यू कैन सी दैट कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर उससे नहीं कर रही हैं। तो ऐसा करते हैं, चलिए इसको ऐसे अपने मन से हाइपोथेटिकली कंप्लीट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल नीचे और एक हेमिस्फेरिकल बाउल ऊपर। क्लियर गाइस? और उसके बाद अब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि जो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक दैट शुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड द होल स्फीयर। ये किससे है? स्फीयर से है। क्लियर गाइस? तो हेमिस्फेरिकल बाउल से कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। सो यहाँ से आ गया फाई लिंक्ड विद हेमिस्फेरिकल स्फीयर, दैट विल बी क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर गाइस? कोई इशू? नो इशू। नाउ यदि अभी ऐसे हो जाए कि एक सरफेस है लाइक दिस, और उससे ए बाई की ए बाई
टू की दूरी पे, कितने डिस्टेंस पे, ए बाई टू की डिस्टेंस दूरी पे, यदि ये डिस्टेंस ए है, मैंने एक चार्ज क्यू रख दिया, क्या रख दिया, एक चार्ज क्यू रख दिया है, तो आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि सर इस चार्ज के रिलेटेड इस पर्टिकुलर सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा। तो यदि आप बोल देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्लोज सरफेस है नहीं। तो पहले तो हमें क्या फॉर्म करना पड़ेगा, क्लोज सरफेस लाइक दिस, क्लियर है, ऐसे लाइक दिस वी हैव टू फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज सरफेस लाइक दिस। सो एक क्यूबॉइडल सरफेस फॉर्म हो गई, क्लियर है, और उस क्यूबॉइडल सरफेस के अंदर पे क्लियर है एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। उस क्यू चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट क्यू, वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एज वी नो दैट क्यूब के, क्यूब में कितने फेसेस हैं, क्यूब में कितने फेसेस हैं, सिक्स फेसेस। तो सिक्स फेसेस की वजह से एक फेस से कितना लिंक हो जाएगा, वन फेस से, दैट विल बी इक्वल टू 1/6 ऑफ 5, दैट विल बी 5/6 एंड दैट इज व्हाट, सो 5 दैट, 5 थ्रू दैट फेस, दैट विल बी क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर गाइस, ओके। तो ये हमने देख लिया कि किसी भी पर्टिकुलर सरफेस से हमें यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक निकालना हो तो कैसे निकालना है, क्लियर है। तो आपके लिए मैं कुछ होमवर्क छोड़ के जाऊंगा कि आपको वो सर्च करके लाना है या पता करके लाना है कि कैसे कैसे निकालेंगे, क्लियर है। तो याद रखिएगा होमवर्क है ये, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जो रेगुलर बच्चे मेरी वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो ये सख्त निर्देश है कि आपको कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज फिर आप किसी भी हिसाब से मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं आगे आपके लिए वीडियोज लाऊंगा। कि जब मैं देखूंगा कि बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं तो यार क्या मतलब, मौज मस्ती के लिए लाता हूँ वीडियोज, पढ़ने के लिए तो ला रहा हूँ, तो यदि आप पढ़ रहे हैं तभी उनका कुछ फायदा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है ये कि यदि एक क्यूब है, ये क्या है, एक, ओहो सॉरी, ये थोड़ा सा ज्यादा ही खतरनाक क्यूब बन गया, लाइक दिस इट शुड बी लाइक दिस, या ए हाई मतलब ए इसका वो मान लीजिए साइड लेंथ मान लीजिए, उसके एक बार चार्ज कॉर्नर में रखा हुआ है क्यूब, तो उसके चलते इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा केस, सेकंड केस, ये तो हो गया फर्स्ट केस, ये हो गया फर्स्ट केस, नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड केस। जब एक कॉर्नर में रखा हुआ है, अभी जब किसी एक एज में रखा हुआ है, ठीक है गाइस, मतलब किसी एक साइड पे रख दिया जाए लाइक दिस, कि यहाँ पे एक साइड पे रख दिया ऐसे, ठीक है, लाइक दिस ऐसे यहाँ पे रख दिया, तो उस केस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा दैट पर्टिकुलर क्यूब से सेंटर पे रखे जाने की वजह से। तो सेंटर की वजह से तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि वो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, लेकिन एक बार यदि किसी कॉर्नर में रखा हो तब उस क्यूब से कितना लिंक्ड होगा, और एक बार यदि साइड के अलॉन्ग रखा हो तो कितना होगा। तो इनको सॉल्व करने का तरीका बता दे रहा हूँ, जब जब एक कॉर्नर में रखा होगा ऐसे किसी क्यूब के, तो एक क्यूब इधर ही बना सकते हैं, एक क्यूब इधर ही बना सकते हैं, एक क्यूब नीचे ही बना सकते हैं, एक क्यूब इधर ही बना सकते हैं, एक क्यूब इधर ही बना सकते हैं, और पूरा कुल मिला के उस चार्ज को चारों तरफ से घेर देंगे। तो बड़े वाले क्यूब से जो लिंक्ड होगा, ठीक है ना, वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो उस छोटे से क्यूब से कितना लिंक्ड होगा वो उसी रेशियो में डिवाइड कर लीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है ना। और जब एजेस भी रखा हुआ है तो एक इधर पैर रख दिए और एक नीचे रख दिए, एक इधर रख दिए, तो चार चार हो जाएंगे, और उस केस में कितने होंगे, 8 होंगे, तो देख लीजिएगा आ जाएगा आंसर, क्लियर है, कोई इतना बड़ा बिग इशू नहीं है। सो गाइस ये तो था बेसिक क्वेश्चन जो कि आपको आने चाहिए, और मैंने इनको बेसिक्स बताया, फिर उनके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए, क्लियर है। चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ और केसेस में अपन लोग निकाल के देखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आता है या गॉस लॉ का यूज क्या है, क्लियर है, चलिए देखते हैं। नाउ गाइस अपन जो गॉस लॉ सीखे हैं उसकी मदद से कुछ केसेस डिराइव करना सीखते हैं या गॉस लॉ का एप्लीकेशन सीखते हैं, जो मेन है वहां पे फोकस करते हैं, तो कुछ आइडिया लगेगा अपन को, ठीक है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस सपोज अपन लोग निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखा है स्फेरिकल सेल के चलते, कि अंदर क्या होगा, बाहर क्या होगा,
या सरफेस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सारा केसेस मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाना है जिससे कि आपको आइडिया लगे कि गॉस लॉ की मदद से जो अपन लोगों ने इंटीग्रेशन की मदद से सारी चीजें सीखी थी, वही सारी चीजें अपन लोग गॉस लॉ की मदद से भी अभी सीखेंगे। क्लियर गाइस? चलिए देखते हैं। तो लेट अस सपोज कोई चार्ज ऐसे रखा हुआ है क्यू, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, एक हमारे पास कोई एक स्फेरिकल सेल है लाइक दिस, और उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज एक स्प्रेड किया गया है, पॉजिटिव चार्ज हुज वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। क्लियर गाइस? अब यदि पूछता है कि उसके चलते आपको बताना है, ये रेडियस दिया है कैपिटल आर, और आपको बताना है कि एट डिस्टेंस स्मॉल आर, कहाँ पे स्मॉल आर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आपको ये बताना है। यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस एट पॉइंट पी। क्लियर गाइस? जो कि कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर के डिस्टेंस पे है। क्लियर है? चलिए अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग निकालते हैं फॉर आर वेन लेस देन कैपिटल आर, मतलब इनसाइड द स्फेरिकल सेल, पहला केस। तो स्फेरिकल सेल के इनसाइड पे अपन लोग चलिए एक गॉसियन सरफेस ले लिए ऐसे अपने मन से, आर रेडियस की, कितनी रेडियस के ले लिए हैं, आर रेडियस का एक हमने गॉसियन सरफेस ले लिया। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, E dot ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? सो E की वैल्यू निकालनी है, वो मान लिया E इंटू डी एस। सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हर पॉइंट का कांस्टेंट होगा, तो जब इसका इंटीग्रेशन कराएंगे थ्रू आउट द सरफेस तो E बाहर आ जाएगा और डी एस ही बचेगा, तो अंदर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बचा। क्लियर है? डायरेक्शन दोनों का सेम होगा हर पॉइंट पे, डी एस भी इधर की और E भी इधर की ओर, तो कॉस जीरो आएगा सीधे सीधे, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। So, इसको आगे क्या लिख सकते थे, ई इंटू फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि छोटा छोटा डी एस दैट इज पूरा का पूरा स्फेयर का जब चार्ज सॉरी स्फेयर का एरिया एड होगा तो फोर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वाई जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज वी नो दैट कि इन दैट गॉसियन सरफेस देयर इज नो चार्ज, बिकॉज जो हमने चार्ज क्यू दिया है वो तो इस पर्टिकुलर सेल पे स्प्रेड किया हुआ है, मतलब उस सरफेस के अंदर नेट कितना चार्ज है, जीरो है। तो जब उस पर्टिकुलर इमेजनरी गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो है, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिलिंग जीरो हो गया, एंड दैट सेज कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो हो गई। क्लियर है गाइस? नाउ, और हाँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिसकंसेप्शन में आ जाए कि सर आपने बोला था पहले पहले ही क्लास की शुरुआत में बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि किसी लिंक किसी सरफेस से लिंक जीरो है तो हो सकता है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है या नहीं सकता। याद रखिए मैंने ये कहा था कि यदि किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, किसी भी गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक जीरो है, दैट डज नॉट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा ही। होगा ही का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बाय द वे यहाँ पे हो सकता है वाला केस था। क्लियर है? अभी अपन लोग कहाँ निकालना चाहते हैं, लेट अस सपोज सरफेस पे निकालना चाहते हैं, कहाँ पे निकालना चाहते हैं, सरफेस पे निकालना चाहते हैं। तो फॉर सरफेस क्या हो जाएगा, फॉर सरफेस हो जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। क्लियर है? तो फिर से वही करेंगे, लेकिन अब गॉसियन सरफेस कहाँ ले लेंगे, सरफेस के ऊपर ही ले लेंगे। तो जब सरफेस के ऊपर ही ले लेंगे गॉसियन सरफेस, तो फिर से वही आएगा फाइ इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। फिर से वही ई बाहर आ जाएगा, डॉट डी एस करेंगे तो पूरा सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से ई की वैल्यू निकालना है, तो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे इसको इधर भेजे तो क्या आ गया, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर गाइस? नाउ अब निकालना चाह रहे हैं फॉर आउटसाइड, कहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, फॉर आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा, अब गॉसियन सरफेस बाहर लाई करने लगेगी ऐसे एट डिस्टेंस स्मॉल आर, ऐसे गॉसियन सरफेस लाई करने लगी। क्लियर है? जब गॉसियन सरफेस एट डिस्टेंस स्मॉल आर लाई करने लगी, तो अब उसके अंदर नेट चार्ज कितना है, अभी भी क्यू ही होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जितना स्फेरिकल सेल का चार्ज होगा उतना ही बस वहां पे नेट चार्ज है, तो क्यू आ गया। तो फॉर आउटसाइड कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, फिर से वही करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। क्लियर है? इसे सॉल्व करेंगे पूरा यहाँ तक, तो बस यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर जमे, क्योंकि अब जो गॉसियन सरफेस का एरिया होगा वो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तो कैपिटल आर इसलिए होता है क्योंकि वो स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर थे,
लेकिन यहां पे स्मॉल आर एंड कैपिटल आर बराबर नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, फिर से वही आ जाएगा, ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर गाइस? तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आ रहा है, यदि हम उसको ग्राफिकली ड्रॉ करें तो ग्राफिकली ड्रॉ करने में कैसा आएगा, दैट विल लुक लाइक दिस। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज डिस्टेंस आर। सो टिल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यहां तक कितनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्लियर है। लेकिन जैसे ही अपन लोग उसके बाहर सरफेस पे आते हैं, एकाएक इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और फिर उसके बाद 1/r² के प्रोपोर्शनल हो करके इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस घटता जाता है, और इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दोबारा जीरो हो जाएगा, जो कि अपन लोगों ने उस टाइम पे वेरिएशन ड्रॉ करके देखा था। याद करिए पिछले लेक्चर जब अपन लोग सीखे थे कि पॉइंट चार्ज चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, फिर स्फेरिकल सेल उठाए थे, याद करिए वहां पे अपन लोगों ने इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का मदद लिया था, याद आया हो तो। तो अब वो सारे केसेस आप यहां से गॉस लॉ की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ लेट अस सपोज, अब मैं इसे यहाँ पे इसके आगे और बहुत सारे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब मैं चाहूंगा कि अब मैं कुछ चीजों को आपके ऊपर भी छोड़ू। अब यदि ये कैसे हो जाता, स्फेरिकल सेल हो जाता, स्फेरिकल सेल की वजह सॉलिड स्फीयर होता, क्या होता, सॉलिड स्फीयर हो जाता ऐसे, लाइक दिस, क्लियर है, सॉलिड स्फीयर हो जाता ऐसे, और इसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज स्प्रेड कर दिया जाता। और अब फिर से पूछता कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू था विच इज आर इज लेस देन कैपिटल आर, फिर यहाँ पे इक्वल टू, फिर इक्वल टू इतना। तो अब यदि आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते तो गॉसियन सरफेस कैसे आता है इंटरनल के लिए, वो गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा आता, क्लियर है गाइस, एट डिस्टेंस स्मॉल आर। अब उसके आउटसाइड चार्ज कितना मुझे नहीं पता, लेकिन इनसाइड नेट चार्ज तो जीरो नहीं है, सिमिलर टू स्फेरिकल सरफेस, इस बार इनसाइड दैट सरफेस भी कुछ ना कुछ चार्ज है। तो वो चार्ज निकालेंगे लिए क्या करेंगे, अपन लोग चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेंगे, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई उसका वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो उसके अंदर जो क्यू डैश की वैल्यू आएगी, क्यू डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब, क्लियर गाइस, यही आएगी उसके अंदर, कैसे, क्यू अपॉन 4/3 r³ करेंगे तो ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, मल्टीप्लाइड बाई उसका छोटा सा वॉल्यूम, दैट इज 4/3 r² क्लियर है, पाई स्मॉल आर क्यूब, तो ये 4/4 कट जाएगा, 4/3 r³ बचेंगे, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अब q की बजाय क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा q डैश, क्लियर है। तो यहाँ पे q डैश की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे q डैश की वैल्यू कैपिटल q/r³ इंटू स्मॉल r³, क्लियर है, और वहां से स्मॉल r स्क्वायर आएगा तो कट जाएगा इससे, तो यहाँ स्मॉल r बचा रह जाएगा, क्लियर है। और आपका क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी यहाँ से, दैट विल बी k q r/ε₀ r³ कैपिटल आर क्यू, यही आ जाएगी, के क्यू एप्सिलॉन नॉट होगा, नहीं अब एप्सिलॉन नॉट क्यों आएगा यार, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा क्योंकि वो 1/4 इधर आ गया ना, तो 1/4 मल्टीप्लाई होगा तो वो के बना देगा, क्लियर है, k r³ क्लियर है। फिर सरफेस के लिए सरफेस पे जब आ जाएंगे तो नेट चार्ज कैपिटल क्यू ही हो जाएगा, तो फिर से वही हो जाएगा, आउटसाइड के लिए भी नेट चार्ज कितना रहेगा, कैपिटल क्यू ही रहेगा, क्लियर है, तो उसमें भी यही आ जाएगा। मतलब मुझे एक बात पता चली कि इस केस में मात्र इनसाइड का वेस केस अलग था, तो उसके लिए वेरिएशन कैसा आ जाता, उसके लिए भी सिमिलर वेरिएशन ही आता, बस थोड़े से चेंज आते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका वेरिएशन ड्रॉ करते स्मॉल आर के बीच में, तो ये कुछ ऐसा आता टिल सरफेस, क्लियर है, एंड आफ्टर दैट ये कुछ ऐसा हो जाता, क्योंकि वहां तक वो देख सकते हैं कि स्मॉल आर प्रोपोर्शनल है और उसके बाद वो 1/r² प्रोपोर्शनल हो गया, तो ऐसे डिक्रीज करेगा, क्लियर है, ये हो गया आपका k³ r², क्लियर गाइज, एट सरफेस। नाउ गाइज, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वहां पे अपन लोगों ने कितना सारा किया था, तब जाके अपने आंसर्स आए थे, लेकिन यहाँ पे अपनी बहुत बेसिक तरीके से आ गए गॉस लॉ की मदद से। तो अपन लोगों ने गॉस लॉ की मदद से स्फेरिकल सेल के चलते और सॉलिड स्फीयर के चलते पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन सीख लिया विद इन 5 मिनट्स, क्लियर गाइज। अभी यदि अपन को स्फेरिकल सेल की बजाय एक सॉलिड सिलेंडर दे दे, क्लियर है, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या करेंगे, आउटसाइड के लिए तो बहुत ईजी है और सरफेस के लिए बहुत इजी है, अंदर के लिए क्या करेंगे, अंदर के लिए चार्ज पर यूनिट एरिया निकाल के, तो
तो वो दिया होगा चार्ज डेंसिटी, क्लियर है, चार्ज डेंसिटी दिया होगा, चार्ज पॉइंट एरिया निकाल के और उससे क्या मल्टीप्लाई करा देंगे, उस पर्टिकुलर उसका एरिया मल्टीप्लाई करा देंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आंसर आ जाएगा, डायनामिक इशू, क्लियर गाइस। तो ये इस तरीके से निकालेंगे। तो आपके लिए मैं यहाँ पे तीन चार होमवर्क छोड़ के जाऊंगा, क्लियर है, और वो होमवर्क है आपके लिए, आपको करके बताना है कि इनके आंसर्स क्या आएंगे, या उनको डिराइव करके देखना है, और यदि डिराइव होकर के आंसर आते हैं तो प्लीज गाइज ये मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे पेज में जाके मैसेज करिए, मैं पढ़ता हूँ मैसेज, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ता नहीं हूँ, मैं मैसेजेस भी पढ़ता हूँ, मैं डाउट्स भी पढ़ता हूँ सब कुछ, लेकिन जैसे मैं क्लास में बैठा हूँ तो डाउट पढ़ लिया, अब मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, कई बार टीचर हमारे सामने बैठे होते हैं तो हम नहीं रिप्लाई कर पाते, लेकिन कोई चीज़ लिखी हुई तो पढ़ सकते हैं ना, ऐसे तो मोबाइल खुला हुआ तो पढ़ लेता हूँ, या कभी सोने आ रहा हूँ तो पढ़ लेता हूँ, बट कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं बच्चों को जज नहीं करता हूँ, मैं भी तो चीज़ें जज करता हूँ, मैंने भी देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की मांग ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए मुझे फिर थोड़ा फास्ट करना पड़ा स्पीड अपनी को अभी इधर, ठीक है, तो इसीलिए वो सारे क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन करने हैं कॉपी में, और यदि आ जाता है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर मेरा कमेंट ऐसा आ गया है, मैंने जो आपने बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट उसकी मदद से, गॉस लॉ की मदद से मैंने डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखा है, क्लियर गाइस। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है जो कि मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में देने वाला हूँ, देख लेते हैं। सुना गाइस जो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये जो आप लोगों के लिए एक तरह से दिए बोले तो टास्क है जो कि आपको करना है आज को लेक्चर, आज के लेक्चर को पढ़ने के बाद, वो ये है कि आपको यदि कोई एक ऐसे लाइन चार्ज दिया हुआ है, क्लियर है, ऐसे इनफाइनाइट तक गया हुआ है लाइन चार्ज, दैट इज गोइंग फ्रॉम हेयर टू देयर, मतलब इनफाइनाइट तक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, एंड दैट इज लैम्डा, मतलब दैट इज वॉट क्यू पर यूनिट लेंथ, तो इनफाइनाइट लेंथ है, तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए लेंथ हम तो दे नहीं सकते, तो चार्ज भी नहीं पता होगा, तो क्या दे दिया है, चार्ज डेंसिटी दे दिया है, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और पूछा है कि इस पर्टिकुलर लाइन चार्ज से एट डिस्टेंस स्मॉल आर एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्लियर है, तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, मैंने इंटीग्रेशन की मदद से निकाला था, क्लियर है, यदि याद हो तो साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू वैसा करके कुछ आया था, ठीक है, और वहां से अपन लोगों ने फिर थीटा वन थीटा टू इनफाइनाइट के लिए 90 मान लिए थे, और वहां से वन वन का मल्टीप्लाई आ गया था, तो मैंने इसको करा के दिखाया हुआ है इंटीग्रेशन की मदद से, बट आपको गॉस थ्योरम की मदद से करना है, और करने का तरीका एक छोटा सा ऐसे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लीजिएगा अपने मन से, क्लियर गाइस, और उस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, डिस्चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ई डॉट डी एस, तो डी एस, तो देखिए इससे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आया क्योंकि सरफेस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा चार्जेस के चलते, और जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों से तो लिंक जीरो हो जाएगा, मात्र इसी से बचेगा, तो क्या लिख लेंगे, E इंटू टू पाई आर एल इजक्वल टू लेमडा इंटू दिस लेंथ, क्लियर है गाइस, लेमडा इंटू एल, तो हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन, जो कि मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, मैंने तो बहुत सारा इसको आंसर भी बता दिया एक तरह से, क्लियर है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रहे हैं हम, वो ये है कि आपको बताना है कि यदि कोई ऐसे है सिलेंड्रिकल सेल है, क्या है, सिलेंड्रिकल सेल है जो कि इनफाइनाइट तक गई हुई है ऐसे, क्लियर गाइस, सिलेंड्रिकल सेल है जो कि इनफाइनाइट तक गई हुई है, और उसका जो चार्ज डेंसिटी है वो दिया है एरियल चार्ज डेंसिटी, क्लियर गाइस, एंड दैट इज सिग्मा, मतलब वही क्यू अपॉन एप्सिलॉन एरिया, तो यार भैया इनफाइनाइट तक फैला हुआ तो एरिया तो दे नहीं सकते, तो क्यू के बारे में भी आइडिया नहीं लगता, लेकिन उसने दे दिया सिग्मा चार्ज डेंसिटी, जब सिग्मा चार्ज डेंसिटी दे दिया तो उसमें छोटे से उसका एरिया मल्टीप्लाई यदि करा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां का चार्ज कितना होगा, तो यदि कोई डिस्टेंस, इसका रेडियस पता कर लीजिएगा वो है कैपिटल आर, याद रखिएगा, कोई पॉइंट पी है एट डिस्टेंस स्मॉल आर, क्लियर है, तो पूछा है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, क्लियर गाइस, तो आई थिंक सो ये बहुत इजी होगा, अंदर जीरो हो जाएगा और बाहर के लिए ये लाइन चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा, क्लियर, कि बाहर के लिए वही करेंगे ना,
तो निकाल लेंगे, कोई इसमें बहुत इश्यू नहीं है, बहुत इजीली तरीके से आ जाएगा. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर सेकंड. नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो आपका सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर है ऐसे जो कि इनफाइनाइट तक गया हुआ है, वो कैसा है सॉलिड है, वो इस मतलब इसकी तरह सेल सेल वाला नहीं है या सिलेंड्रिकल ट्यूब नहीं है, ये कैसा है सॉलिड सिलेंडर है. सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए फिर से वही पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे विच इज एट डिस्टेंस स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल इज उसका जो कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. क्लियर है, तीनों पोजिशन पे आपसे पूछा है. तो भाई ये बाहर के लिए तो सिमिलर आंसर आएंगे, इसी तरह सरफेस के लिए भी सिमिलर आंसर आएगा, लेकिन अंदर के लिए अलग आएगा क्योंकि इस केस में अंदर कुछ चार्ज नहीं रहा होगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया होगा इस केस के, लेकिन इस केस में अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा. क्लियर गाइस, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया. नाउ एक जो दूसरा होमवर्क है आपके लिए, ठीक है ना, वो चलिए होमवर्क नहीं, मैं खुद करा देता हूँ वो केस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो ये तो हो गया आपके लिए होमवर्क, क्लियर है. अभी जो मैं अगला केस कराने वाला हूँ, वो मैं कराने वाला हूँ कि यदि कोई एक थिन सीट है, क्या है थिन सीट है, बहुत ही पतली सीट है, और उस सीट को इनफाइनाइट तक अपन डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो उस सीट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है ना, तो आपको करना है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि मैं इसे भी एज ए होमवर्क ही दूँ, नहीं सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि इजी है, इसमें कोई नहीं है. तो अगला होमवर्क आपके लिए ये है कि यदि लेट अस सपोज एक कोई ऐसे सीट है जो कि इनफाइनाइट तक फैली हुई है, कहाँ तक फैली हुई है, इनफाइनाइट तक ऐसे फैली हुई है, तो उसके चलते उसके परपेंडिकुलर पे, ये कहाँ पे है परपेंडिकुलर पे, एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी. क्लियर गाइस, ये आपको बताना है. तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होगा. कैसे, आप एक काम करिएगा, एक ऐसे मान लीजिएगा गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल लाइक दिस, क्लियर है, जो कि जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट है, तो उससे एक सिलेंडर ऐसे पास कर रहा है इधर से और इधर से, ऐसे सिलेंडर यहाँ से घुसा हुआ है और इधर से निकला हुआ है, तो जो इस ये मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, इसका सिग्मा दिया हुआ है चार्ज डेंसिटी, कितना दिया है सिग्मा चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है. तो ध्यान से देखिए, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर कितना होगा, इधर की ओर ऐसे होगा, और इधर की ओर कैसे होगा, ऐसे होगा. तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो कहाँ कहाँ से लिंक्ड होगा, इस वाले स्फेरिकल सरफेस से, सॉरी इस वाले सर्कुलर सरफेस से लिंक्ड होगा, और सिलेंडर के इस वाले सर्कुलर सरफेस से लिंक्ड होगा, लेकिन उसके लेटरल सरफेस से नहीं लिंक्ड होगा. क्यों नहीं लिंक्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और सरफेस एरिया का जो वेक्टर आएगा वो ऐसा आएगा, तो कॉस 90 हो जाएगा. तो लेटरल सरफेस से सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये वाली सरफेस से सोचना है जो आपने इमेजनरी गॉसियन सरफेस मानी है. तो दिस सरफेस प्लस दिस सरफेस से जो नेट लिंक्ड आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, मतलब पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वहां से मतलब क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो दैट पर्टिकुलर एरिया मल्टीप्लाई बाई चार्ज डेंसिटी कर देंगे तो उतना का चार्ज आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये दो सर्फेस से होगा. तो एक सर्फेस से करके वहां से निकाल लेंगे ई डॉट डी एस करके, ट्वाइस ऑफ हो जाएगा, तो जब उधर ट्वाइस जाएगा डिवाइड में तो वो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. क्लियर गाइस, तो इस तरीके से आपको निकालना है. तो ये आपके लिए था क्वेश्चन नंबर फोर, क्लियर है. तो ये चारों क्वेश्चंस आपको, यदि आप मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं कि कार्तिकी सर जो पढ़ा रहे हैं वो हमको मोर देन सफिशियंट मिल रहा है, तो प्लीज इन सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन चाहूंगा कि आप करिए और मेरे फेसबुक पेज में मुझे मैसेज करिए, मुझे अच्छा लगेगा, दिल से अच्छा लगेगा यदि आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी मदद मिलती है तो. क्लियर गाइज, और देखिए कई बच्चों को ये थोड़ा बहुत आए थे अंदर कि ये लेक्चर्स कहाँ तक सफिशियंट है, तो याद रखिएगा ये लेक्चर आपके बोर्ड्स के मिनिमम लेवल से स्टार्ट होकर के जे एडवांस लेवल के जितना भी आप टफ लेवल चाहेंगे उतने लेवल तक जाएंगे और सारी चीज़ें कवर कराऊंगा मैं, याद रखिएगा. सो ये सारे लेक्चर्स आपके लिए इफेक्टिव है, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आइदर यू आर बिगनर ऑफ ट्वेल्थ और यू आर ड्रॉपर और यू आर गोइंग फॉर जे एडवांस और यू गोइंग फॉर जे मेन्स और यू गोइंग फॉर नीट और एम्स. क्लियर गाइज, सो फॉर एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट दीज लेक्चर्स आर मोर देन सफिशियंट, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का वेरिएशन और हर तरह का एस्पेक्ट मैं कवर कराने की कोशिश करता हूँ और कराता भी हूँ, ठीक है ना. बट मुझे पता है कि गॉस लॉ मैंने पढ़ा दिया है और दो तीन केसेस मैंने उसे लगा के दिखा भी दिया है, तो कुछ केसेस में आपको भी लगा के ट्राई करना चाहिए. और ऐसा तो है नहीं कि मैंने ये होमवर्क छोड़ दिया है कि बस करते रहिएगा, मैंने तो हिंट भी इनका दिया हुआ है कि ऐसे करना है. क्लियर है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किसी भी सरफेस पे चार्ज के चलते कितना प्रेशर लगता है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट है वो, और अपन लोग ये भी सब समझेंगे कि किसी कंडक्टर पे
कंडक्टर के चलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी पॉइंट पे, क्लियर है, बहुत सारी चीज सीखी है रिलेटेड टू कंडक्टर इन नेक्स्ट लेक्चर। और उसके बाद जब अपन लोग का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर के बाद अपन थ्योरी पोर्शन लगभग कंप्लीट हो जाएगा, तो अपन लोग डाइपोल पे एक बार दोबारा चलेंगे, क्योंकि डाइपोल को मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ाया था पहले, तो डाइपोल पे दोबारा चलेंगे। और डाइपोल को पूरा करने के बाद अपन लोग जे एडवांस लेवल की प्रॉब्लम पूरे चैप्टर्स को मिला करके अच्छे अच्छे लेवल की रिलेटेड टू इंडक्शन, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स के बीच में क्या कैसे बहुत सारा वेरिएशन अपन सीखेंगे। सो अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे एटलीस्ट मिनिमम 6 से 7 लेक्चर्स आएंगे, 7 से 8 लेक्चर, क्लियर गाइस, मतलब अप्रॉक्स 24 लेक्चर्स मान के चलिए कि अपन लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलेगा। और वो 24 लेक्चर्स, क्योंकि मैं इनमें बीच में रफ करने का टाइम, बात करने का टाइम ये सब तो रिमूव कर देता हूँ, दैट मीन्स वो सारे लेक्चर्स कहीं ना कहीं 2-2 घंटे के होते हैं, मतलब 42 आवर्स के अप्रॉक्स आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया जा चुका होगा, क्लियर गाइस, 48 आवर्स, सॉरी, क्लियर है। सो कीप वॉचिंग अस, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूला करो, जिससे कि अगला चैप्टर जब भी डालूँ या अगला वीडियो जब भी डालूँ, तो लगभग डेली डालता हूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्लियर है। और पुराने व्यूवर्स को भी बोल देता हूँ कि जिन लोगों ने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया है वो भी प्लीज़ यार नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जो छोटा सा घंटा दिखता है, क्योंकि होता है कि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ लेकिन जब आपके पास इंप्रेशन ही नहीं आएगा तो आप वीडियो को देखोगे कैसे, क्लियर है। और प्लीज़ यार जो बच्चा इन वीडियोज़ को देखता है तो एक बार इन वीडियोज़ को शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि आपकी टाइमलाइन पे वीडियो शेयर होगी तो हो सकता है कि किसी और बच्चे को इस वीडियो से मदद मिल जाए, क्लियर है। सो कीप वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।